वंदे मातरम। विद्यार्थी भाइयों और बहनों, आइए हम सब फिर से मिल रहे हैं पांचवी इकाई में, जिनका नाम है दोहे। भाइयों और बहनों, वैसे तो कविता के कई प्रकार है, तो यहां पर जो दोहे दिए हैं वो भी एक कविता का प्रकार ही है। गीत स्वरूप में, गजल स्वरूप में, कोई गान के स्वरूप में, अलग अलग रूप से कविताएं लिखी जाती है। लेकिन दोहे में क्या होता है कि दोहे में सिर्फ और सिर्फ दो पंक्तियां होती हैं, लेकिन इन दो दो पंक्तियों में जो बात हमें जीवनोपयोगी बातें सिखाई जाती हैं, उसका मूल्य बड़ा ज्यादा रहता है। यहां पर हमारे सामने कबीर जी, रहीम जी और तुलसीदास, ये तीनों हमारे महान कवि हो गए, महान संत हो गए, और उनकी रचनाएं बहुत की है, उन्होंने अपनी रचनाएं बहुत की है। दोहे के स्वरूप में भी उन लोगों ने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन उनमें से हमारे जीवन में उतारने के लिए उदाहरण के स्वरूप थोड़ी थोड़ी बातें, जैसे कबीर जी की तीन बातें ली है, रहीम जी की भी तीन बातें ली है, और तुलसीदास की दो बातें ली है, जो हमारे जीवन में अच्छे गुणों के लिए अपनाना, अच्छे गुण हमारे जीवन में आए उसके लिए ये बात जरूरी है, और ये बात हमें इन दोहों से सीखने को मिलती है। तो यहां पर जो दोहे के स्वरूप में तीनों की बातें दी है वो हम सीखेंगे। आइए सबसे पहले हम इसका गान सुन लेते हैं, इसके बाद इसकी समझ लेंगे। इकाई पांच, दोहे। ध्यान से दोहे सुनिए। Thank you.
आइए दोस्तों, सबसे पहले हम कबीर जी की बात सिखाते हैं। कबीर जी ने जो अपनी पहली बात में बताई, कबीर जी के तीन दोहे यहां पर लिए हैं, उनमें से सबसे पहली बात कबीर जी की जो है वो है भगवान से क्या मांगना चाहिए। हम नहीं जानते हैं, हम जब भगवान के सामने जाते हैं तो हम मांगते हैं, ये भगवान मुझे ये बना दे, ये भगवान मुझे ये कर दे, हे भगवान मुझे लखपति बना दे, करोड़पति बना दे। लेकिन नहीं, भगवान के सामने क्या मांगना चाहिए वो बड़ी अच्छी तरह से कबीर जी सिखाते हैं। आप किताब में से एक एक शब्द अंदर से देखते जाना। साई इतना दीजिए, साई शब्द का प्रयोग किया है, साई का मतलब यहां भगवान लेना है। साई इतना दीजिए, हे भगवान मुझे इतना धन दीजिए, इतनी दौलत दीजिए। कितना दीजिए? तो साई इतना दीजिए, जामे, जामे शब्द दिया है, जामे मतलब जिसमें, जिससे। तो जामे कुटुंब समय, कुटुंब शब्द यहां शुद्ध नहीं है, कुटुंब का मतलब होता है कुटुंब, परिवार। तो जिसमें कुटुंब का पालन पोषण हो सके, साई इतना दीजिए, जामे कुटुंब समय, मतलब उसमें उसका लालन पालन हो सके, परवरिश हो सके, इतना धन इतनी दौलत दीजिए। दूसरी पंक्ति में बताया है कि मैं भी भूखा ना रहूं, कभी मुझे भी भूखा रहना ना पड़े, मेरे लिए भी खाना हो जाए और साधु न भूखा जाए। कबीर जी बहुत अच्छी बात यहां मांगते हैं भगवान से कि हे भगवान मुझे इतनी इतना धन दीजिए, इतनी दौलत दीजिए कि जिससे मैं मेरे परिवार वालों को खाना खिला सकूं, उसका पालन पोषण कर सकूं, मुझे भी खाना मिल जाए और मेरे घर जो अतिथि आता है, मेहमान आता है, कोई साधु फकीर आता है तो उसको भी मैं खाना दे सकूं, उसको भी मैं कुछ दे सकूं। ज्यादा धन की मुझे आवश्यकता नहीं है प्रभु, सिर्फ इतना दीजिए। और दोस्तों ये बात हकीकत है, भगवान सब कुछ जानता है, हमें कितनी जरूरत है, कितनी आवश्यकता है, ये बात भगवान को पता होती है। हमें मांगने की जरूरत नहीं है, भगवान खुद ब खुद हमें सब कुछ अपने अपने समय पर देता रहता है, हमें मांगने की आवश्यकता है ही नहीं। फिर भी हम मांगते हैं कि हे भगवान मुझे गाड़ी दे दे, हे भगवान मुझे ये दे दे, तो इनकी आवश्यकता नहीं है। भगवान को पता है जितनी आप मेहनत करोगे, जैसी मेहनत करोगे वैसा फल आपको मिलता जाएगा। कबीर जी ने वो सिखाया कि भगवान से क्या मांगना चाहिए। आइए कबीर जी की दूसरी बात लेते हैं। बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए, सोचे समझे बिना अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो। जल्दबाजी में, कभी कभी हम जल्दबाजी में काम करते हैं, उसके लिए यहां पर कबीर जी ने बताया है कि आप जो भी काम करो वो पहले सोचो, सोच समझ कर काम करना चाहिए, क्योंकि अच्छे फल के लिए ये आवश्यक है, ये जरूरी है कि आप सोच समझ कर काम करो। तो कबीर जी ने कहा कि बिना विचार यानी कि सोचे समझे, सोचे समझे बिना अगर कोई काम करता है सो पाछो पछताए, पीछे से पछताने की नौबत आती है, क्योंकि सोचे समझे बिना काम करेंगे तो काम कैसा भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो इसीलिए कबीर जी ने कहा कि काम बिगाड़े अपनो जग में होत हसाए। सोचे समझे अगर काम हम करते हैं तो क्या होता है कि वो काम बिगड़ता है, और दोस्तों काम बिगड़ेगा साथ ही साथ क्या होगा कि दुनिया के लोगों के लिए या कि दुनिया में हम हंसी के पात्र बन जाएंगे, हास्य के पात्र बन जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है, जो भी काम करो आप तो सबसे पहले कबीर जी कहते हैं कि सोचो समझो विचार करो, इसके बाद वो काम करो तो आपको अच्छी तरह से सफलता मिल सकती है। अब कबीर जी की तीसरी बात लेते हैं हम। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, यहां पर शब्द दिया है बाजार में, बाजार मतलब सबके सामने, जाहिर स्थल पर, कहीं पर भी। कबीर जी, कबीरा मतलब कबीर जी, कबीर जी क्या करते हैं कि सबके सामने खड़े हैं और मांगे सबकी खैर। यहां पर भी वो प्रभु से क्या मांगते हैं, ईश्वर से क्या मांगते हैं वो बात बताई है। सबकी खैर मतलब कुशलता, कि सभी लोग खुश रहे, सभी लोग आनंदित रहे। तो कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर,
ना काहू से दो सती, काहू किसी से, काहू शब्द दिया है मतलब किसी से, कबीर जी को ना किसी से दोस्ती भी है ना काहू से बैर, बैर मतलब दुश्मनी। सबके सामने जाहिर स्थल पर कबीर जी खड़े हैं और वहां पर ईश्वर से खड़े होकर के मांगते हैं कि हे प्रभु मुझे किसी से दोस्ती भी नहीं है, किसी से दुश्मनी भी नहीं है, सबकी खैर चाहते हैं मतलब सबकी कुशलता चाहते हैं कि सभी लोग खुश रहे। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अपने लिए सब कुछ मांगते हैं, हम स्वार्थी बन जाते हैं, अपने लिए सब कुछ मांगा लेकिन दुनिया के लिए कभी मांगा नहीं है हमने, समाज के लिए नहीं मांगा, दूसरों के लिए नहीं मांगा हमने। तो भगवान से जब हम दूसरों के लिए मांगते हैं तो भगवान खुद भी सोचेगा कि ये बंदा दूसरों के लिए मांगता है तो चलो इसको हम पहले देते हैं, ज्यादा देते हैं क्योंकि हम दूसरों के लिए मांगते हैं। तो कबीर जी ने यहां पर सबके लिए सुख चैन मांगा है, अच्छी बात मांगी है। अब बात आती है रहीम जी की, रहीम जी की भी तीन बातें हैं, दो तीन दोहे हैं। उसमें पहली बात जो बताई है, रहीमन वेनर मर चुके जे कहूं मांगन जाही, बहुत अच्छी बात बताई है इसमें। रहीम जी कहते हैं कि वे नर, नर मतलब जन लोग, रहीमन यानी कि रहीम जी, रहीम जी कहते हैं कि वे नर वो लोग वो जन, वे नर मर चुके मरे हुए हैं कौन लोग, जे कहूं कहीं, कहूं का मतलब है कहीं, मांगन जाही, जाही मतलब जाते हैं। तो रहीम जी स्पष्ट इसमें करते हैं कि जो लोग दूसरों के सामने हाथ फैलाते हैं यानी कि मांगते हैं वे लोग मरे हुए हैं, क्योंकि वो तो मांगते हैं और हमेशा आप जानते हैं कि मांगने वाला हमेशा नीचा होता है, मांगने वाला हमेशा छोटा बन जाता है, वो बड़प्पन उसका नहीं रहता है क्योंकि उनका हाथ नीचे, देने वाला ऊपर से देता है और मांगने वाले का हाथ नीचे होता है। तो रहीम जी यहां पर यही कहते हैं कि रहीमन वे नर मर चुके जे कहूं मांगन जाही, दूसरों के यहां मांगने जाते हैं। लेकिन दूसरी पंक्ति में इससे थोड़ी सी अलग बात बताते हैं रहीम जी, उनते पहले, उनते मतलब उनसे, पहले मतलब पहले, वे मुए जिन मुख निकसत नाही, निकसत मतलब निकलता है, नाही मतलब ना। तो स्पष्ट कीजिए वो पंक्ति का बात कि रहीम जी क्या कहते हैं कि मांगने वाले तो मरे हुए पहले से ही है क्योंकि वो मांगते हैं, लेकिन वे लोग तो पहले से ही मरे हुए हैं कि जो देने से इनकार करते हैं, देने से मना करते हैं। मांगने वाले का जो आना, उसकी जो आदत, चलो वो ठीक है लेकिन आपके पास है फिर भी आप नहीं देते हैं तो आप उनसे पहले भी मरे हुए तो हैं। कहने का मतलब मांगना गलत है, मांगना बुरी बात है, लेकिन अगर कोई मांगने आता है और आपके पास है, आपके पास सुविधा है तो आप उसको दीजिए, क्योंकि वो आपके पास धन है, संपत्ति है, वो किसी काम की नहीं है अगर आप दूसरों की मदद नहीं करते हैं तो। रहीम जी की दूसरी बात, जो रहीम उत्तम प्रकृति, प्रकृति मतलब स्वभाव, यहां स्वभाव की बात बताई है कि जिनका श्रेष्ठ स्वभाव होता है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, जिनका स्वभाव श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ स्वभाव वाले को कुसंगति खराब सौबत भी कोई असर नहीं करता है। तो रहीमन जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, यहां पर एक उदाहरण दिया है कि जिनका स्वभाव श्रेष्ठ होता है वो व्यक्ति अगर बुरी संगत में आता है फिर भी उनमें कोई बदलाव नहीं आता है। कैसे, जिस प्रकार से यहां पर उदाहरण दिया है चंदन का, चंदन का पेड़ होता है वो लकड़ी है फिर भी उसमें शीतलता का गुण है, ठंडा है वो एकदम शीतलता, हम माथे पे चंदन लगाते हैं तो वो इसीलिए कि ठंडक मिले हमें, खास करके गर्मी के मौसम में उसका लेप भी किया जाता है ताकि हमें ठंड का एहसास हो। तो ये उसमें गुण है, चंदन में गुण है कि चंदन में भी भुजंग शब्द दिया है, अंदर देखिए भुजंग शब्द, भुजंग मतलब सांप,
सांप को जब गर्मी लगती है तो क्या करता है, चंदन की लकड़ी की चारों तरफ लपेटकर पड़ा रहता है ताकि चंदन में से उसे शीतलता मिले, ठंडक मिले। तो सांप में हम जानते हैं वो विषैला है, जहरीला है, लेकिन सांप का विष चंदन में कभी नहीं आता है। चंदन की लकड़ी आप काटो तो उनमें से आपको शीतलता ही मिलेगी, ठंडक ही मिलेगी। सांप के विष का कोई असर चंदन पर नहीं होता है। उसी प्रकार से बिल्कुल अगर श्रेष्ठ प्रकृति वाला कोई व्यक्ति है तो उसमें बुरी सोबत का कभी कोई असर होता नहीं है। संगति कैसे करनी चाहिए वो बात इस प्रकार से यहां पर हमें रहीम जी सिखाते हैं। अब रहीम जी की तीसरी बात, बड़े बड़ाई ना करें बड़े न बोले बोल। वास्तव में जो बड़ा होता है उसकी बात है, बड़े व्यक्ति की बात है। जो बड़े व्यक्ति होते हैं वो अपना बड़प्पन कभी दिखाते नहीं है कि मैं इतना महान हूं, मैं इतना बड़ा हूं, मैं इतना अमीर हूं, मैं इतना पैसे वाला हूं। ये बात वो कभी अपने आप नहीं बताते। बड़े बड़ाई ना करें बड़े न बोले बोल, वो बड़ी बड़ी बातें बोलते नहीं है। उसके लिए भी यहां पर रहीम ने एक उदाहरण दिया है कि रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। रहीम जी कहते हैं कि जो हीरा होता है, वैसे हीरा तो पत्थर है लेकिन उस पर जो घिसाई होती है और उस पर उस हीरे को चमकाया जाता है और फिर उसकी उसका दाम बढ़ता है, उसकी कीमत बढ़ती है। यहां मोल शब्द दिया है, लाख टका मेरो मोल, मोल मतलब कीमत, उसका मूल्य। हीरा जितना बड़ा होता है कैरेट के अनुसार उसका नाप आता है। तो हीरा जैसा भी है वो खुद कभी नहीं बताता कि मैं 1 लाख का हूं, मैं 2 लाख का हूं, मैं एक बहुत बड़ा हीरा अगर है तो वो करोड़ का भी होता है कि मैं 1 करोड़ रुपए का हूं। तो हीरा खुद नहीं बताता, उसका मोल उसकी कीमत हम यानी कि लोग बताते हैं। तो उसी प्रकार से अगर आप जैसे हैं वैसे आप रहोगे, अपने आप आपका मोल होता रहेगा। तो यहां पर रहीम जी ने यही बताया है कि बड़े लोग है वो अपने आप, जिस तरह से हीरा कभी अब खुद का मूल्य नहीं बताता, उसी प्रकार से बड़े लोग भी अपना मूल्य कभी खुद नहीं बताते हैं, अपना बड़प्पन खुद नहीं बताते हैं। आइए तुलसीदास की बात हम लेते हैं। तुलसीदास ने 2 बातें यहां बताई है। आवत ही हर्षे नहीं नहीं नैनन सने, गुजराती में है, गुजराती में आप लोगों ने सुना होगा, आव नहीं आदर नहीं नहीं नयन में ने, तेघर कदी न जइए भले कंचन वर्षे में। उसी का ये दोहा है यहां पर हिंदी में कि आवत ही हर्षे नहीं, हर्ष खुशी, आपके जाने से आप किसी के घर जाते हैं तो उसको आनंद नहीं होता है, वे लोग हर्षित नहीं होते हैं, आनंदित नहीं होते। तो आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं सने, नैनन मतलब आंख और सने शब्द दिया है, सने मतलब स्नेह प्रेम। आप उसके घर जाते हैं तो उसको आनंद नहीं होता है, मुंह बिगड़ जाता है कि वो ये यहां कहां से आ गया, क्यों आया, तो हर्ष नहीं होता, आनंद नहीं होता। और उसकी आंखों में स्नेह का भाव बिल्कुल नहीं होता, मतलब आपका उसके घर जाना उसे नापसंद है, उसे अच्छा नहीं लगता है। तो तुलसीदास कहते हैं कि तुलसी वही न जाइए कंचन बरसे में। तुलसीदास कहते हैं कि ऐसी जगह पे हमें नहीं जाना चाहिए। कैसी जगह, कि जहां हमारे जाने से उसे आनंद नहीं होता, वो हर्षित नहीं होते, या तो फिर उसकी आंखों में स्नेह का भाव नहीं होता, स्नेह नहीं मिलता, आदर नहीं मिलता, वहां नहीं जाना चाहिए। कैसी परिस्थिति में भी नहीं जाना चाहिए, तो तुलसीदास बताते हैं भले कंचन, कंचन का मतलब होता है सोना और मेघ शब्द दिया है अंदर, मेघ मतलब बारिश। तो तुलसीदास कहते हैं कि उसके घर अगर सोने की बारिश होती हो, सोना बहुत कीमती धातु है, अगर उसकी बारिश और सोने की बारिश जहां होती हो वहां तो कितना सारा धन होगा, कितनी सारी दौलत होगी,
फिर भी तुलसीदास कहते हैं वहां हमें नहीं जाना चाहिए। आइए तुलसीदास की दूसरी बात लेते हैं हम। विद्या धन उद्यम बिना कही जू पावे कौन। तुलसीदास बताते हैं कि विद्या रूपी धन ऐसा है कि वो मेहनत किए बिना किसी को नहीं मिलता है। और आप ही बताइए कि किसको मिला है विद्या रूपी धन मेहनत किए बिना, यानी कि परिश्रम का मूल्य यहां पर बताया है, श्रम का मूल्य बताया है कि विद्या रूपी धन मेहनत किए बिना किसी को मिलता नहीं है। उसके लिए यहां पर तुलसी जी ने एक उदाहरण भी दिया है, बिना डुलाए न मिले ज्यों पंखा को पन। पन मतलब पवन, डुलाए मतलब हिलाए, हाथ हिलाए बिना, वो हाथ से चलने वाला पंखा जो आता है उसकी बात है। आजकल के जमाने में बिजली से चलने वाले पंखे हमने देखे हैं, लेकिन पहले जब बिजली नहीं थी उस समय की बात है, जो हाथ से चलने वाला पंखा आता था उस समय की बात है, तो पंखा चलाने के लिए हाथ हिलाना पड़ता है। हाथ से अगर आप पंखा हिलाएंगे, डुलाए शब्द दिया है अंदर यहां पे, तो बिना डुलाए ना मिले ज्यों पंखा का पन। पन मतलब पवन, पवन अगर हमें चाहिए, पवन खाना है, हवा खानी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हाथ हिलाना पड़ेगा, हाथ से पंखा हिलाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से परिश्रम का मूल्य यहां पर तुलसी जी ने बताया है कि परिश्रम किए बिना कुछ मिलता नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार से यहां पर हमारे सामने कबीर जी, रहीम जी और तुलसी जी ने अपनी अपनी दोहे के स्वरूप में जो बात बताई उसकी समझ हमने ली। हम सब फिर से छठी इकाई में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबको अलविदा, वंदे मातरम।